दादी आप हम दोनों को कोई भूतिया कहानी सुनाओगी? अच्छा बच्चों, मैं तुम दोनों को एक भूतिया कहानी सुनाती हूँ। उसका नाम भूतिया हाईवे है। सुनोगे? एक गांव में राजू और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों किसान थे। एक दिन रमेश राजू से कहता है, यार राजू, जो हम अनाज उगा रहे हैं वो तो हमारे परिवार के लिए ही काफ़ी नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपनी सारी ज़मीन किसी और को भी खाकर मैं शहर जाकर कोई दूसरी नौकरी कर लेता हूँ। यार, जितना हम यहाँ गांव में रहकर कमा रहे हैं उतना शहर जाकर दुगना कमा लेंगे, लेकिन हम वहाँ पर जाके दूसरों की गुलामी करेंगे, इसलिए हम शहर नहीं गांव में रहकर कुछ दूसरा काम कर लेंगे। ठीक है, तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। शहर में जाकर दूसरों की गुलामी करने से गांव में रहकर हम अपना ही दूसरा कोई व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है। एक दिन अचानक से राजू का बेटा बीमार पड़ जाता है। वो कुछ सोचता ही रहता है, इतने में ही उसे याद आता है, रमेश शहर जा रहा हूँ कर कह रहा था, उसी के साथ जाकर कोई अच्छी डॉक्टर से मैं दवाइयाँ ले आता हूँ। कुछ ही देर में रमेश और राजू शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में रमेश राजू से कहता है, यार मेरा बेटा तो दूरों से बहुत ही बीमार है। इतना कहकर वो दोनों गांव के बस स्टॉप में जाकर बस का इंतज़ार कर रहे होते। यार राजू, कुछ सोच मत, तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम शहर जा रहे हैं, कोई अच्छे से डॉक्टर के पास जाकर दिखा कर अच्छी सी दवाइयाँ ले आते हैं और तेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो। थोड़ी दूर है इसलिए पैदल ही चले जाते हैं। चल। हाँ यार, तू बिल्कुल ठीक कर रहा है, थोड़ी ही दूर है, बस का इंतज़ार क्यों करें, पैदल ही चले जाते हैं।